अध्याय 11। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उधाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हां, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम अपने आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सुहाता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जाने कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूं, क्योंकि विधर्म भी तुम्हें अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, क्योंकि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से तो सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए
कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा।